हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ ओशन गेट एकेडमीज सी स्काउट्स एंड गाइड्स। मायसेल्फ गोपी शेट्टी, कमांडेंट ऑफ सी स्काउट्स इंडिया। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ ये खास करके उन बच्चों के लिए है जो अपना करियर आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में या फिर किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस में करना चाहते हैं। खास करके ये देखा गया है कि ज्यादातर बच्चे जो मेडिकल एग्जाम होता है उसमें दो चीजों में वो फेल हो जाते हैं। पहला चीज है नॉक नीज और दूसरा है फ्लैट फुट। हमारा आज का जो वीडियो है ये है रिगार्डिंग नॉक नीज। आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं कुछ बच्चों को लेकर के कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिसे आप रेगुलर करें तो आपके जो नॉक नीज हैं वो ठीक हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने यहाँ तीन बच्चे खड़े हैं। इन तीनों को मैं खास करके इसलिए लाया हूँ, एक तो आपको ये बता सकूँ कि ये जो है ये एज एकदम सही होता है। इस उम्र में अगर आप एक्सरसाइजेस शुरू करो तो जो आपके नॉक नीज के प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आप जितना लेट करोगे उतना आपको तकलीफ बढ़ेगा उसको ठीक करने में। ये एकदम सही एज होता है। आप अगर 12 साल के अंदर अंदर ये एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं तो जब तक आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स की भर्ती शुरू होती है तब तक आपके जो नॉक नीज हैं वो ठीक हो जाएंगे। अभी मैं आपको इन तीनों के घुटनों में क्या अंतर है ये आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो लड़का है, पहला लड़का, इसके जो घुटने हैं इसमें जो स्केल है ये नहीं जा पा रहा। ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसमें स्केल नहीं जा पा रहा, ये काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। ये दूसरी जो बच्ची है आप देखेंगे स्केल जा रहा है, ठीक है, हल्का सा टच है, हल्का सा टच है। और ये जो तीसरा बच्चा है आप देखो सीधे, इसमें गैप है, आराम से स्केल ऊपर नीचे जा रहा है, गैप रहना चाहिए इसमें। तो ये जो दो बच्चे हैं इनको थोड़ा एक्सरसाइज की जरूरत है। ये लोग एक्सरसाइज शुरू कर देंगे तो इनके जो नॉक नीज हैं वो ठीक हो सकते हैं। सिर्फ इसको अपना नॉक नी न हो इस चीज को मेंटेन करने के लिए जो एक्सरसाइजेस हैं वो उनको रेगुलर करना चाहिए। आपके पैर ऐसे हैं, इसको आपको पहले ऐसे मोड़ना है, ऐसे मोड़ करके फिर आपको ऐसा ऐसा ही चलना है। आपको डेली सुबह एक 5 से 10 मिनट बिस्तर छोड़ते ही ऐसे आपको वॉक करना है। उसके बाद अगर पैर दर्द होने लग जाए वापस थोड़ा सा नॉर्मल वॉक कर लो और उसके बाद वापस उसको वापस इसी तरह ऐसे बाहर को मोड़ करके, ठीक है, और इसके ऊपर आपको चलना है। ऐसे चलने पर आपके जो इनर थाई मसल्स है उसके ऊपर प्रेशर आएगा, वो थोड़े लूज हो जाएंगे, स्ट्रेच होंगे और आपके जो नॉक नीज हैं वो ठीक हो सकते हैं। ओके, तो अभी हम हमारा सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज है साइड सिटअप्स। ये भी आपके नॉक नीज को ठीक करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोनों पैर खोलिए, उसके बाद आपको दोनों तरफ बैठना है। पहले आप लेफ्ट साइड बैठेंगे, ओके, वन, बैठे आप, पूरा पंजा नीचे लगा हुआ है लेफ्ट पैर का, राइट पैर एकदम सीधा है और आपका जो सर है आपको घुटने में लगाना है ऐसा, ठीक है। और वहाँ कोशिश करिए आप रुकने के लिए, उधर 10 काउंटिंग्स तक रुकिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। अभी नेक्स्ट साइड बैठेंगे, आप दूसरी तरफ बैठेंगे, सेम वैसा ही, राइट वाला पैर का पंजा पूरा नीचे लगना चाहिए, लेफ्ट पैर आपका एकदम सीधा होना चाहिए और आप अपना सर घुटने में लगाएंगे और 10 के काउंटिंग तक रुकेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। अब इसके बाद आपको कंटिन्यू साइड सेटअप्स करने हैं 20 टाइम्स, ओके, 1, 2, 3, स्टार्ट, 1, 2, 3, कोशिश करो हाथ ऊपर रखने के लिए,
फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, बस। अभी हमारा जो तीसरा एक्सरसाइज है वो है साइड लॉन्जेस। तो साइड लॉन्जेस कैसे करना है ये तीनों बच्चे आपको बताएंगे। ओके, सबसे पहले लेफ्ट साइड जाएंगे, वन, ठीक है। राइट पैर आपका आगे की तरफ होगा पंजा, राइट पैर आगे को, और जिस तरफ आप मुड़ रहे हो वहाँ का पंजा उस डायरेक्शन में होगा, दोनों शोल्डर्स उसी तरफ में, और हल्का सा बॉडी को प्रेस करना है फोर टाइम्स, वन टू थ्री फोर। इसमें आप देखो आपके जो राइट लेग है उसके इनर थाई मसल्स पे स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है। अब आप चेंज हो जाओ राइट साइड में, इसमें लेफ्ट का जो पंजा है वो सीधा चाहिए इधर को, और जो राइट पंजा है वो राइट साइड को चाहिए, दोनों शोल्डर्स राइट साइड की तरफ, और इसके बाद आप प्रेस करेंगे, स्टार्ट, वन टू थ्री फोर। ओके, चेंज, वापस लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट पंजा लेफ्ट साइड को, राइट पंजा सामने की तरफ, स्टार्ट, वन टू थ्री फोर, वापस राइट साइड, राइट पंजा राइट की तरफ, लेफ्ट पंजा आगे की तरफ होगा, स्टार्ट, वन टू थ्री फोर। ओके, तो ये एक और एक्सरसाइज हो गया जिससे कि आपके नॉक नीज सुधर जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हम चौथा एक्सरसाइज करेंगे जिसको कि आपको करने में शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन इससे क्या होगा, आपके जो हिप बोन्स हैं वो फ्री हो जाएंगे, इससे आपका स्ट्रेच बढ़ेगा और जो नॉक नीज है वो सुधारने में हेल्प हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट पैर को करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करना है, लेफ्ट पैर ऐसे आगे लिया, ठीक है, राइट पैर एकदम पीछे स्ट्रेच किया, और धीरे से आगे का बॉडी नीचे प्रेस करना शुरू कर दिया, सर जमीन पे लगाना है और 10 तक का काउंटिंग देना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ओके, चेंज, अभी आपको राइट पैर को करना है, तो इस तरफ मुड़ेंगे वापस, लेफ्ट पैर पीछे, राइट पैर आगे को फोल्ड होगा, लेफ्ट पैर एकदम सीधा करते हुए धीरे से आगे आप जाएंगे, सर नीचे लगाएंगे और काउंटिंग करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अभी जो हम अगला एक्सरसाइज बताएंगे, इसमें आपको चेयर की तरह बैठना है, चेयर का पोजीशन लेना है दीवार का सपोर्ट लेकर के। तो अभी आप देखिए ये तीनों बच्चे कैसे बैठते हैं, चलो रेडी, अभी आप देख रहे हैं एक कुर्सी की तरह बैठे हैं ये लोगों ने, सिर्फ पीठ सपोर्ट के लिए टिकाया है। आप घर में आपकी दीवार यूज कर सकते हो, और इस तरह से आपको दो मिनट बैठना है, दो मिनट बैठने के बाद वापस सीधे खड़े हो जाना है, उसके बाद वापस दो मिनट के लिए नीचे बैठना है और वापस सीधे खड़े हो जाना है। तो ये हो गया एक एक्सरसाइज जिससे कि आपके नॉक नीज ठीक हो सकते हैं। अभी हमारा जो अगला एक्सरसाइज है नॉक नीज ठीक करने के लिए, उसको बोलते हैं वी सिटअप्स। वी सिटअप्स के लिए सबसे पहले आपके जो पैर है, आपके पैरों के पंजों में आपको वी बनाना है, आगे से 45 डिग्री एंगल पंजा ओपन करना है, दोनों एड़ियां जुड़ी हुई होनी चाहिए, और इसके बाद आप सिटअप्स शुरू करोगे। जैसे ही मैं काउंटिंग दूंगा आप लोग सिटअप शुरू कर दोगे। ओके, वन टू थ्री स्टार्ट, वन टू, पैर बाहर को खुलने चाहिए, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन। अब हमारा जो अगला एक्सरसाइज है वो है बटरफ्लाई स्ट्रेच। बटरफ्लाई स्ट्रेच करने से
हमारे दोनों थाइस जहाँ जुड़ते हैं बॉडी से, वहाँ का जो जॉइंट है, जो लॉक्स है, वो फ्री हो जाता है और आपके नॉक नीज ठीक होने में ये काफ़ी आपको मदद करता है। देखिए कैसे बटरफ्लाई करना है, दोनों घुटनों को ऊपर की तरफ आपको लाना है और नीचे ले जाना है, उन्हें बटरफ्लाई तितली की तरह दोनों हिलाने हैं दोनों पैर, और जितना हो सके आपकी दोनों एड़ियां जो पैर के हैं उनको बॉडी के नज़दीक लेना है, और कोशिश करिए कि आपके दोनों घुटने ज़मीन में टच हों। ये कम से कम आप 20 से 25 बार एक एक सेट आप करें, इस तरह से 2-3 सेट अगर आप रोज़ करते हैं तो इससे भी आपके नॉक नीज ठीक होने में आपको इसकी मदद मिलेगी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारे ये वीडियोस काफ़ी पसंद आ रहे होंगे और इसमें जो हम आपको बता रहे हैं उनको आप फॉलो भी कर रहे होंगे। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियोस को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बिना भूले जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरा जो भी अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। सो जय हिंद, वंदे मातरम।